कल मॉर्निंग में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा जल्दी है और मेरा बैग यहाँ पर तैयार पड़ा है। अभी हम रवाना होंगे बीकानेर के लिए, थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली है और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, सो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। हमें बस जूते पहन के अभी रवाना होना है और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे अपने रेलवे स्टेशन, गाँव के रेलवे स्टेशन पर। ये क्या हुआ, पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा है? मर गए सब गाँव वाले। So finally हमारी ट्रेन आ गई है और अभी मैं आपको खिड़की से दिखाने वाला हूँ राजस्थान का व्यू। आंख नाक कान सब बंद कर लीजिए, सांसें रोक लीजिए, क्योंकि अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो आपने सपने में कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ बीकानेर की असली खूबसूरती। ये है हमारा बीकानेर। अरे सॉरी, कौन सी फुटेज आ गई? नहीं, ये है हमारा बीकानेर। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। इतनी गर्मी में इस प्यास पर अगर कहीं पर ठंडा पानी मिल जाए तो दिल से बस एक ही बात निकलती है, मजा आया। सो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए बीकानेर। वैसे हम घर से बीकानेर के लिए रवाना होते हैं तो बीकानेर तो पहुंचते हैं, बट आज कुछ अलग था क्योंकि आज हम शायद दूसरी बार शाम के टाइम पे आए हैं बीकानेर। अभी जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कभी जूस पी लिया जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थक गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छी होंगे। सो बीकानेर में अभी सुबह हो गई है, कल शाम को हम चौपाटी भी नहीं गए थे और कहीं भी नहीं गए थे, बस सीधा रूम पे आ गए। राजेश भाई जी ने बोला कि उनका लेट तक कोचिंग टाइम होता है, इसलिए फिर हम गए नहीं, प्लान कैंसिल कर दिया, सीधा रूम पे आ गए। यहाँ पे खाना वगैरह खाया और कुछ देर बातें वगैरह की, उसके बाद हम सो गए थे। ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे सोते सोते और छत पर ही सोए थे हम लोग। सो मॉर्निंग का जो व्यू है वो मैंने आपको दिखाया था, जैसे मैं उठा किस टाइम पे था, जिस टाइम पे मेरी आँख खुली सूर्योदय हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लिया जाए। और अभी मैं नहा लिया हूँ, 7 बजने वाले हैं। सो अब थोड़ी देर बाद में हम जाएंगे क्योंकि 9:30 बजे हमारा है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। सो हम लोग 8:30 या 9 बजे रूम से रवाना होंगे, 8:30 बजे, और आराम से जाएंगे, बस देखेंगे आराम से। आप सब लोगों की विशेज साथ में है ही। और यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ रूम के पास में, ये देखो नींबू के पेड़ है, नींबू लगे हुए हैं इन पे, ये देखो मस्त जगह पे है इनका रूम। और बाहर का व्यू ऐसा है, आसपास में घर है, बाकी जगह खुली है। और चलिए मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम है, यहाँ पे बुक्स पड़ी है, यहाँ पे हमारा बैग, यहाँ पे लगा हुआ है कूलर। अब रूम से निकले हैं, राजेश भाई कोचिंग जा रहा है और मैं जाऊँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो दोस्तों, मैं आया हूँ पार्क में और चलिए यहाँ पे करते हैं। बहुत हार्ड है, तो दोस्तों दोपहर के 1:21 आ गए हैं और अब जाके हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। 1:21 पे 1:30 तो दूसरी शिफ्ट का शुरू हो जाएगा,
9 मिनट बाद, और अब जाके हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया फाइनली, और इजीली था, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। जो हमारे आगे कैंडिडेट्स थे उनका किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटा तक लग गया था, लेकिन हमारा ठीक है, जल्दी जल्दी हो गया। और अभी हम जाएंगे, जो कल चाचा जी के मोटर देखे आए थे ना, वो मोटर वगैरह लानी है, कुछ सामान लाना है, और फिर जाएंगे शाम को गाँव। आई थिंक 4-5 बज जाएंगे। शो चलते हैं अभी बाजार, आप इंजॉय कीजिए व्लॉग को। ये है गंगानगर चौराहा, यहाँ से चलेंगे हम टैक्सी लेके। तो शाम के ऑलमोस्ट 5:30 से ऊपर हो गए, और अभी हम पहुँचे गांव, और अब जाएंगे घर पे। घर पे जा रहे हैं वैसे तो, और डीवी बहुत ही अच्छा हुआ था, बस हमारे डॉक्यूमेंट्स जब चेक हो रहे थे उससे पहले उन्होंने ज़्यादा टाइम दे दिया, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और बीकानेर में कागजी का सामान लेके और थोड़ा कुछ और सामान लेके फिर हम बस में चढ़ गए थे, और अभी हम 5:30 बजे गाँव पहुँच गए। अब हम जाएंगे घर पे, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।